जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6, दैट मीन्स इनइक्वालिटीज। ओके, इनइक्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं और अब हम उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1-6। प्रश्न 1-6 तक की असमीकाओं को हल कीजिए। अभी बेटा थोड़ा सा चेंज है, ये आ गई ड्वेल, ठीक है, ड्वेल इनइक्वालिटी, द्वि असमिका, इसमें दो कंबाइंड हो गई हैं। ठीक, एक तो प्रोसीजर बेटा ये है कि हम डायरेक्ट कर दें, जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ। दूसरा ये है कि अगर ना पॉसिबल हो रहा हो, इधर भी एक्स, क्या करें क्या ना करें, तो आप इसको पार्टीशन कर दो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को कर लेना और फिर रिजल्ट को कंबाइंड कर देना। एक ये प्रोसीजर है, और अगर सिंपली हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे, यहाँ पर इम्प्लाइज बाय का हमने साइन लगा दिया, हमें बीच में एक्स अकेला चाहिए, ठीक है, इसके आसपास जो भी है वो नहीं, क्योंकि हमको जो आंसर देना है ना, सॉल्यूशन, वो हमेशा वैल्यूज ऑफ एक्स होगी, एक्स के मान हमारा उत्तर कहलाते हैं, तो हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करे। गॉट इट? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, -4, मुझे इसको हटाना है। कैसे हटा दूँ? मैं तीनों तरफ +4 कर दूँ, है ना, एडिंग 4 टू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा 2+4, डायरेक्ट कर दूँ 6, है ना, यहाँ से ये 3x रह गया, अकेला 4 हट गया, 4 को जब आपने 5 में ऐड किया तो ये बन गया 9, है ना, सिंपल, एडिंग 4, ठीक है, तीनों तरफ 4 को ऐड कर दिया। नाउ अभी क्या ये 3 है, 3 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए, तो चलो मेरे पास स्पेस है तो मैं ऐसे कर देती हूँ, 6 / 3, 3x / 3 एंड 9/3, यहाँ भी आप शो कर सकते थे, और नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। ये हो गया 2, आपका ये हुआ x, है ना, और ये क्या हुआ 3, गॉट इट? तो आपका जो आंसर हुआ ना, वो हुआ क्लोज्ड इंटरवल 2-3, ओके, तो इसमें 2 भी शामिल है, इसमें 3 भी शामिल है, और बीच के सारे रियल नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अभी ये देखिए, इसमें क्या है बच्चों, माइनस है, इस चीज़ का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखिए, ये हुआ आपका, सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि 3 हट जाएगा, तो 6/3 किया तो कितना आया, 2 आया, है ना, इधर माइनस कायम है, और इस माइनस की वजह से मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो ये -2x + 4 ऐसा हो जाएगा, 3 हट चुका है, 3 से हम तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, केवल माइनस रह गया, इस माइनस को जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो इसने सारे साइंस चेंज कर दिए। यहाँ देखो इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, 12 को भी आपको 3 से डिवाइड करना है, तीनों को करना है ना, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर +4 है, हमें ये भी हटाना है, तो +4 हटाने के लिए आप क्या करोगे, तीनों तरफ -4 कर दोगे, है ना, आप शो करो आप शो ना करो, इट्स जस्ट अप टू यू, 2 - 4 = -2, गॉट इट? ये कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया, ओनली -2x रह गया, और यहाँ पर यू विल गेट 0। नाउ पहले 2 हटाओ, माइनस बाद में, तो 2 से तीनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा -2/2, ठीक, यहाँ पर -2x/2 और यहाँ पर 0/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया, -1 < -x < 0। अब माइनस भी हटाना है, और माइनस हटाने का रूल आपको मालूम है, साइन विल गेट चेंज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साइन विल गेट चेंज, तो हम -1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट विल बिकम +1, साइन उल्टा हो जाएगा, -x बन जाएगा x, और 0 महाशय को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हुआ, ओपन ब्रैकेट 0, ठीक है, ओपन साइड से 0 और 1 की साइड से क्लोज्ड, That means 1 is included, 0 is not.
ये हुआ। अब बच्चों चूंकि सब सेम थे ना क्वेश्चन नंबर 1 to 6, तो मैंने 4 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करके रख दिए, जिससे कि टाइम भी सेव हो और आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पहुंच जाए। यहाँ पर मैंने पहले 4 को सबसे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैंने 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। उसके बाद मैंने 7 से डिवाइड किया, यहाँ तक आ गए। फिर -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज हो गए, है ना। तो -4, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसे आएगा -4 2, यानी कि 2 पहले लिखा है तो 2, -4 स्टूपिड लगेगी ये बात। इसको आप -4 पहले, 2 छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सबसे पहले मैंने 5 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट को। इसके बाद जो -6 था इसको हटाना था, तो तीनों तरफ +6 किया। -75 +6 से हुआ -69, बाय मिस्टेक मैंने 81 लिख दिया था, ये हो गया। अभी मैं 3 से डिवाइड भी कर दूँ, 3 से डिवाइड किया तो -23 into, देखो -23 शामिल नहीं है, ओपन है ना, और 2 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्लोज्ड। अभी यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सबसे पहले 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ तक आने के बाद 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आ गए। 3 से डिवाइड किया, तो -80/3 से लेकर -10/3, 10/3 बड़ा है, माइनस में है ना, उल्टा चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ये था, सबसे पहले क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तीनों को कर दिया, यहाँ तक आ गए। अब क्या करोगे, +11 को हटाना है तो -11 करोगे तीनों में, तो ये हो गया। इसके बाद आप 3 से डिवाइड भी कर दोगे तो ये हो गया 1 and 11/3, 11/3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना, छोटा ही पहले आएगा बेशक कहीं भी लिखा हो। नाउ नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन इन एक्सरसाइज सॉरी इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। प्रश्न 7 से 10 तक की असमीकाओं को हल कीजिए और उनके हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 ही पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले ये 2 है, सॉरी 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड, 2 इनइक्वालिटीज़ है बेटा, ध्यान रखना। हेयर आर 2 इनइक्वालिटीज़ और ये अलग अलग दी हुई हैं। पहले मैंने ये फर्स्ट वाली ली है, कौन सी, ये वाली, ये देखो ये है। इसमें +1 था, +1 को -1 किया दोनों तरफ, यहाँ से हट गया और -24 और -1 जुड़ गए, कितने हो गए, -25 हो गए। अब मैंने 5 से डिवाइड किया तो एक रिजल्ट आ गया, या ये रिजल्ट क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -5, दिस रिजल्ट इज फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब ये सेकंड वाली है, ये मैंने सेकंड ली, गॉट इट, यहाँ पर मेरे को लिख देना चाहिए फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, आप लिख देना सेकंड हो गया। सेकंड लिया, -1 हटाना था तो +1 करना पड़ा, 25 हो गया, है ना, तो ये आ गया। अब एक रिजल्ट ये आ गया, x -5 से तो बड़ा है, +5 से छोटा है, इनको किया मैंने कंबाइंड, ठीक। तो कंबाइंड रिजल्ट ये रहा -5, 5, ठीक। अब मुझे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको मालूम है कि जब ओपन इंटरवल होता है तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, उन पर जो हम सर्कल बनाते हैं उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या गलती की है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाए हैं, माइनस, ओके। तो एक तो ये -5 to +5 है ना, दोनों एंड पॉइंट्स पर हम एक सर्कल लगाएंगे और उसको हम ब्लैंक रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, तो जब इंक्लूड होते हैं तो उनको काला पीला कर देते हैं, भर देते हैं उनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी 2 है, देख लीजिए 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। पहली फर्स्ट को हमने सॉल्व किया तो x < 7 आता है, सेकंड को सॉल्व करते हैं तो > -1 आता है, तो ओपन इंटरवल यहाँ भी बन गया है -1 and 7, ओके। तो देखिए मैंने उसी हिसाब से इसको बना के रखा है, -1 पर एक सर्कल और एक सर्कल 7 पर, और दोनों को रखना है एम्प्टी, दैट मीन्स ब्लैंक, ये इस तरह से फिर हम इन्हें ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच के सारे रियल नंबर्स,
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी बेटा देखो दो आइडेंटिटीज हैं। मेरा वीडियो आप पॉज करके भी देख सकते हो कि मैंने कैसे सॉल्व किया, अदरवाइज तो ये सिंपल है। तो फर्स्ट केस में आ रहा है x इज ग्रेटर देन -5। सेकेंड केस में अभी ये देखो थोड़ा हटकर है, ये देखो बेटा यहाँ पर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -5 और यहाँ पर आ रहा है x इज ग्रेटर देन 5। तो ये जो मुझसे मिस्टेक हुई ना, मैंने पता क्या सोच लिया, -5 से बड़ा 5 से छोटा, बस ऐसा नहीं है, वहाँ भी ग्रेटर देन -5 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 5 है। तो ये दो रिजल्ट्स कैसे कंबाइंड होंगे, हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, जो इन दोनों में कॉमन हो। अब देखो अगर कोई नंबर -5 से बड़ा है, जैसे कि -2 है, तो -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो वो -5 से तो 100% बड़ा होगा। ठीक, तो एक इंटरवल ये है, देखिए एक इंटरवल आपका क्या है, -5 और अप टू इन्फिनिटी, है ना। दूसरा इंटरवल क्या है, 5 अप टू इन्फिनिटी, और इसका मुझे लेना है इंटरवल, मीन्स वो वाला हमारा आंसर बनेगा, वो सॉल्यूशन सेट बनेगा जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन ये है, -5 से इन्फिनिटी तक जाते हैं तो रास्ते में 5 पड़ता है ना, और -5 और 5 के बीच के नंबर्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम 5 पर सर्कल बना देंगे और उसको भी हम ब्लैंक रखेंगे, और इसके बाद ऐसे बना कर एरो लगा देंगे, दैट मीन्स अप टू इन्फिनिटी। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। ये रही दो इनइक्वालिटीज़, गॉट इट, थोड़ी सी ऐसी मिक्सिंग सी हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपली है। फर्स्ट को सॉल्व किया तो आया x लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट टाइम आया है 11 के लिए, इक्वल टू भी है, और इधर से आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, मतलब इसमें -7 भी इंक्लूड है और 11 भी इंक्लूड है। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा -7 और ये रहा आपका 11, है ना, और इस गोले को आप भर देंगे। जो भी कलर आपने चूज़ किया, जैसे कि मैंने रेड किया, तो मैं उस रेड कलर से इस सर्कल को फिल कर दूंगी, है ना, और इस तरह से इसको यूं ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो अभी आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जो कि काफ़ी सिंपल थे। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, बचे 11th 12th क्वेश्चन जो आगे के हैं वो विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन जय हिंद।